भाई बड़ा एक्शन है, गहमा गहमी है। एक तरफ भारत सीरीज हार सकता है या फिर वापस आ सकता है, जैसे स्पोर्ट्स तक रेड वापस आया बिल्कुल, और फिर सीरीज कल रात को हम जीते, और या यह हो सकता है कि भारत के हाथ से आज सीरीज निकल जाए। दूसरी तरफ लड़ाई अभी पैकेज डी की चल रही है, पैकेजेस है जी ए बी सी। मैं आईपीएल की टीवी राइट्स की बात कर रहा हूं, मेरे साथ नितिन है, और नितिन कल से बैठ के हजारों करोड़ों का हिसाब लगा रहे हैं। मदन जी भी हैं, और मदन जी भी सोच रहे होंगे कि यार ये हजारों करोड़ रुपए जो है वो कहां से आएंगे कहां जाएंगे। लेकिन उसका पहला जो गुड न्यूज जो आप लोग कल पूछ रहे थे, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कल मिल गया, जो पेंशन की बात कर रही थी। मैं लोगों को समझा रहा था, लोग कह रहे थे कि क्रिकेट में इतना पैसा, ये मैंने समझाया, मैं कि ये वापस जाता है क्रिकेट में, जितना आएगा ये डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएगा, ये अंडर 19 प्लेयरों में जाएगा, ये इंडिया के प्लेयरों में जाएगा, विमेंस क्रिकेट में जाएगा, और पेंशन पेंशन बढ़ गया। ये बड़ी बड़े बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे, अच्छी चीज है। थैंक यू वेरी मच। तो हम बीसीसीआई और सौरभ, बीसीसीआई भी और जैसा, सौरभ जैसा और सौरभ जैसा, इन्होंने टीवी राइट्स। देखिए पता क्या है कि इतना जब आपके पास आ रहा है तो ये तो मेरे ख्याल माइनस परसेंट में आएगा, आया होगा, बट फिर भी एक सोच है। एग्जैक्टली सोच है अपनी कि हाँ देखिए, बाकी जो प्लेयर है पुराने प्लेयर है, या देखो एक बात और अच्छी है, उन्होंने महिला को वुमेन क्रिकेट को भी दिया है, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जितने भी अंपायर हैं, जितने भी हैं, तो आपको एक और भी मालूम मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे ख्याल आपको तो पता ही होगा कि हमारे सब प्लेयरों की इंश्योरेंस भी है बोर्ड की तरफ से। बिल्कुल हाँ, देखिए और यही जो पैसा आता है वो इन चीजों पे ही तो वो बोर्ड खर्च करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है, डेवलपमेंट के लिए जो हमारे जूनियर की कमी रह गई नितिन, वो है मैदान। भारत के मैदान जब 2011 वर्ल्ड कप के लिए सारे रेनोवेशन हुई थी, मैदान अच्छे थे, लेकिन उसके बाद क्योंकि 11 साल हो गए हैं उनकी अपकीप, जब आप ग्राउंड में जाते हैं मैच देखने के लिए, वो फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती जो शायद विदेश में होती। लेकिन आज इस वक्त ये चल रही है, आई थिंक खत्म होने वाला है किसी वक्त भी, बस अगले कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा, अगले कुछ ही मिनट में पता चल जाएगा। और तकरीबन 47,000 करोड़ पर रकम पहुंच चुकी है, 47,000 करोड़ जो कि 48 भी टच हो सकता है जैसे ही, क्योंकि ये पैकेज डी जो है, जो ओवरसीज प्लेयर्स थे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो प्लेयर्स थे उनके लिए था, टीवी और डिजिटल राइट्स थे इसमें, उसकी काउंटिंग बस प्लेयरों के लिए नहीं समझा, ये प्लेयरों के प्लेयर्स एज इन जो बिडर्स थे, जो कंपनीज थी, प्लेयर्स एज इन प्रोस्पेक्टिव, बिग कंपनीज, जो कंपनीज जो ऑक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो बेसिकली पैकेज डी खत्म हो चुका है लेकिन उसकी काउंटिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो जैसे ही वो फाइनल फिगर आ जाएंगे सर, आपको सारे जो नंबर्स है ना, इस वक्त एक बॉल, इस वक्त अभी हालांकि पैकेज डी आना है, और पैकेज डी बहुत ज्यादा नहीं होगा महंगा, आई थिंक वो सबसे सस्ता होता है, लेकिन एक गेंद आईपीएल की, एक गेंद कितने की हो गई है फिलहाल? फिलहाल वो 60 प्लस हो गई है सर, 60 लाख रुपए से ज्यादा कीमत है एक गेंद जो फेंकी जाएगी। जैसे कल आप बैटिंग कर रहे थे, आपको क्या लग रहा था कि शायद मैं भी आईपीएल खेल रहा था? आपको मेरी बैटिंग कैसी लगी भाई? बहुत अच्छी है, आपने यार कमाल कर दिया कल तो मैं आपको, अच्छा आपकी बैटिंग देखे मेरा भी जोश आ रहा था कि मैं भी खेलूं यार, अगला आपको खेलना है बस अब। मेरा बड़ा, मैं सारा मैच देखा, बड़े दिनों बाद मैच देखा भाई, आप पूरे 5 घंटे बैठे, और मेरे को ना बड़ा मजा आया, शॉट देख के बहुत मजा आया, क्योंकि मेरा माइंड वाज प्लेइंग क्रिकेट शॉट्स। अच्छा यार ये मार रहे थे यहाँ गेंद फेंकोगा इसको, अच्छा हाँ, तो माई माइंड वाज वर्किंग ऑल द टाइम। नहीं वो तो भाई अब तैयारी करके अगले मैच को खिलाना भी है, नहीं नहीं कल मेरा पहली दफा मन किया, मैं घर जाके सोचा मैं भाई को, थे वहाँ पे रात के 1:30 बजे मैच खत्म हुआ, पर शॉट जो मैंने देखे ना, इट्स लाइक फर्स्ट क्लास, ये तो खेले हुए हैं।